नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पन्याल स्टडी कैप्सूल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HP जो लेबर इंस्पेक्टर का टेस्ट हुआ है 25 अक्टूबर 2018 जिसका पोस्ट कोड था 629। उसका मैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर पार्ट, जनरल साइंस पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो उन वीडियो का आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। और उसमें भी कुछ एक क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के रह गए थे, 3 या 4 क्वेश्चन, क्योंकि वो सीरियल वाइज नहीं आ रहे थे इसमें, तो उनको भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है। और साथ जो इस वीडियो का मेन फोकस है वो है HP GK पे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली HP GK और साथ में कुछ एक क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी के आएंगे इसमें और कुछ एक क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं कि जो ये पेपर था आपका लेबर इंस्पेक्टर का, तो ये इसमें टोटल 170 क्वेश्चन थे और मार्क्स 85 थे। हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क का था और इसमें जो भी सब्जेक्ट थे वो उसके पर सब्जेक्ट 20-20 क्वेश्चन थे, जैसे पॉलिटी 20, ज्योग्राफी 20, इकोनॉमिक्स 20, HP 20, करंट अफेयर 20, हिंदी और इंग्लिश वो 10-10 थे। ठीक है, जो हर एक सब्जेक्ट था 20 मार्क्स का, तो उस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से ही होती है। और तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं HP GK की। ठीक है, तो HP GK का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 111 से। बाकी इसके ऊपर करंट अफेयर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आवाज़ क्या है, जुब्बल नारायण अ प्लेस ऑफ फेमस फॉर इम्प्रिजनिंग क्रिमिनल इज लोकेटेड इन। ठीक है, तो अपराधियों को जहाँ पे रखते हैं जुब्बल नारायण, वो जगह कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोडू। ठीक है, जो शिमला रोडू में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112, इन विच ईयर शिमला म्यूनसिपालिटी वॉज क्रिएटेड। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने HP क्लर्क का एग्ज़ाम डिस्कस करा था जिसका पोस्ट कोड था 627, तो उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसमें बात की गई थी कब ये डिसॉल्व हुआ था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, 1850। तो देखिए, इस तरह से कुछ एक टॉपिक रिपीट होते रहते हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था बट बाकी जो टॉपिक था वो सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पराशर लेक हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है, तो ऑप्शन बी मंडी करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, कुंजुम पास इज ए फेमस ऑफ। तो कुंजुम पास कहाँ है? स्पीति वैली में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कुंजुम पास कौन कौन से दो प्लेसेस को जोड़ने का काम करता है। और इसकी मैंने अपने चैनल पर ट्रिक भी बनाई है, अगर आपको, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अगर आपको प्रॉब्लम होती है याद करने में, तो आप ट्रिक का भी फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट 115, हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिमला, जो हमारी कैपिटल है, और शिमला की ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 3400 मीटर के आसपास। नेक्स्ट, छड़ी यात्रा प्रारंभ होती है कहाँ से? तो 116 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंबा। तो देखिए, मैंने हर एक टॉपिक पर ट्रिक बनाई हुई है अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो सेक्शन में जाके ट्रिक देख सकते हो। हर एक मैक्सिमम जो टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में उनकी ट्रिक बनाई हुई है, तो आप, अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तब। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ HP। तो 117 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट, खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड इन। 118 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुल्लू। तो इसकी भी मैंने अपने चैनल पे ट्रिक बनाई हुई है और काफ़ी सिंपल सी ट्रिक है, शाहरुख खान साहब से रिलेटेड है, तो अगर आप चाहो तो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि जितने भी हॉट वाटर स्प्रिंग है HP में कहाँ कहाँ है और कैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 119, हु वॉज द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट इन 1740 में। 119 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सैफ अली खान। तो ठीक है, इनको तो आप जो एक्टर है सैफ अली खान उनके नाम से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120,
120 क्या बोलता है, हु ड्रूव आउट द सिक्स फ्रॉम सिबा स्टेट ड्यूरिंग द सेकेंड सिख वॉर। तो 120 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राम सिंह। तो जब द्वितीय सिख युद्ध हुआ था तो उसके दौरान सिबा राज्य से सिखों को किसने खदेड़ा था, वो थे राम सिंह। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 121, नगर कोट वॉज द सीट ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ, तो जो नगर कोट थी किसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी। तो 121 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कटोच डायनेस्टी। तो जो कटोच राजवंश थे वो आपके रहते थे नगर कोट में। नेक्स्ट 122, द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ HP वॉज, तो 122 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जस्टिस TVR दत्ताचारी। तो देखिए इसकी भी मैंने अपने चैनल पे ट्रिक बनाई हुई ऑलरेडी, जिसमें हमने डिस्कस करे हैं हिमाचल प्रदेश के टोटल जितने भी आपके फर्स्ट इन HP है, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसकी मैंने अपने चैनल पर ट्रिक बनाई है, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। तो अगर आपको दिक्कत होती है याद करने, अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते हो तब तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो और ट्रिक का फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज़ नॉट एसोसिएटेड विद फ्रेटनल पोलेंड्री। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो बहुपति प्रथा से संबंधित नहीं है। तो 123 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांगड़ा। ठीक है, तो किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर सबसे फेमस है इसमें, तो ऑप्शन सी कांगड़ा में नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 124, द सेंटर ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज, तो जो कांगड़ा शैली की जो चित्रकला का प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पे है। 124 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुजानपुर। ठीक है, तो सुजानपुर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 125, त्रिलोकपुरी टेम्पल हाउस इज द आइडियल ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, त्रिपुर बालासुंदरी। तो ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, और हिमाचल प्रदेश के जितने भी फेमस टेम्पल है, चाहे मॉन्यूमेंट है, चाहे फोर्ट है, किले जितने भी है, उनकी मैंने अपने चैनल पर ट्रिक बनाई है, अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है तो आप चैनल पर जाके HP GK ट्रिक के नाम से फोल्डर होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जितनी भी हिमाचल प्रदेश रिलेटेड मोस्ट जो टॉपिक होते हैं डिफिकल्ट जैसे, उन पे मैंने ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126, द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस वेराइटीज ऑफ फ्रूट, यानी कि जो नींबू वंश की जो किस्में होती है उनके लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र कौन सा है हिमाचल प्रदेश में। तो 126 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए शिवालिक हिल्स इसका करेक्ट आंसर है, और शिवालिक हिल्स आपकी पड़ते हैं मैक्सिमम जो भी हिमाचल प्रदेश के प्लेन डिस्ट्रिक्ट है वो सारी सारी शिवालिक में आती है। ठीक है, तो कई बार आपको ऑप्शन इस तरह से आते हैं कि बताइए कि कौन सी इनमें शिवालिक हिल्स में नहीं पड़ती, तो आपको लगता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारी है जो प्लेन एरिया में नहीं आती तो वो शिवालिक में नहीं होगी, बाकी जितने भी प्लेन एरिया में डिस्ट्रिक्ट आती है वो सारी सारी शिवालिक में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्ना, ठीक है, मैक्सिमम प्लेन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 127, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन HP एट, तो 127 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिमला। तो इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है अपने चैनल में, जितने भी रिसर्च सेंटर या कोई भी इंस्टीट्यूशन है हिमाचल प्रदेश में उनकी भी ट्रिक बनाई हुई है, तो अगर चाहो तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट, इन विच ईयर HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो धर्मशाला है वो कब सेटअप हुआ है, 128 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1975। नेक्स्ट 129, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो 129 का करेक्ट आंसर है शिमला। ऑब्वियस ही बात है, जो हमारी कैपिटल है वहीं पे सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी लोग सबसे ज़्यादा वहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग विच ईयर फर्स्ट असेंबली इलेक्शन वॉज हेल्ड इन HP, तो 130 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1951। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी इजी थे तो आप इजीली पता लगा सकते थे, अगर यहाँ पे 1951 और 1952 होता तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1951। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नुवाला फोल्क डांस इज परफॉर्म्ड इन द वैली ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
चंबा। तो देखिए इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, जितने भी फोक डांस है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य है हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने ट्रिक बनाई हुई है, तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट, बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP 132। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर। तो इससे रिलेटेड मैंने ट्रिक बनाई हुई अपने चैनल पे जिसमें हमने फोर्ट डिस्कस करें, बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैंने दो या तीन डिस्ट्रिक्ट कवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 133, विच द फ्लोइंग इज द पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। तो 133 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सतलुज, ब्यास, चेनाब। ये तीनों के तीनों इंडस रिवर सिस्टम यानी कि जो कि सिंधु नदी है उसके साथ प्रणाली में हिस्सा है उसका, ठीक है, जाके मिलती है उसके साथ, ठीक है। तो सिंधु रिवर आपकी मेनली इंडिया में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में ही फ्लो करती है, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है और उसके बाद आपकी अरब की खाड़ी में, ठीक है, और पाकिस्तान की ये नेशनल रिवर भी है। नेक्स्ट 134, एज पर द सेंसस 2011 सेक्स रेशो ऑफ HP इज, तो ऑप्शन डी 972 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम HP वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चिरंजी लाल वर्मा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर ट्रिक बनाई है, तो अगर आपको दिक्कत आती है तो तब आप जाके देख सकते हो ट्रिक को। नेक्स्ट 136, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इज एप्लीकेबल टू, 136 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई, होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट JNK। तो JNK का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी थोड़ा अलग ही है, आर्टिकल 370 के अंडर आता है JNK, कई बार आर्टिकल डायरेक्टेड पूछ लेते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, बाकी जो आपका HP है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी और कुछ एक इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो पहले कवर नहीं हो पाए थे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था वो सीरियल वाइज डिस्कस कर रहा था, तो उसमें कुछ एक मिस हो गए थे, तो अब वो भी इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी रिविज़न हो जाएगा अगर आपने नहीं, अगर आपने पहले देख चुके हो तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 137, द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम थ्रू, ठीक है। तो जो बाल श्रम उन्मूलन है वो पहली बार कब लागू किया गया था, तो 137 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फैक्ट्रीज एक्ट 1883। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल हमारे पास है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट 138, इंडिया रिसीव्ड द फर्स्ट स्टिपुलेशन ऑफ 8 hours ऑफ वर्क इन, तो 138 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 27 नवंबर 1942, और जो वर्किंग आवर है 12 से 8 आवर कर दिया था, वो किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या, 139, विच ऑफ द फ्लोइंग फैसिलिटीज इज नॉट मेंट फॉर प्रॉपर एंड कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय। तो 139 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाउसिंग फैसिलिटी। तो इनमें से कौन सी सुविधा ऐसी है जो कर्मचारियों के लिए उचित व सुखदायक कार्य की दशा के लिए मुहैया नहीं है, तो वो है आवास की सुविधा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 140, मिनिमम वर्कर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन एज पर लॉ, ठीक है। तो कम से कम कितने बंदे होने चाहिए किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो 140 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 15। नेक्स्ट 141, लेबर लॉज इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी इन्फोर्स्ड बाय, तो 141 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों सेंटर पे भी और स्टेट पे भी, दोनों गवर्नमेंट पे लगने चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट 142, द फर्स्ट इंडियन लेबराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इन इंडिया स्टार्टेड इन, तो 142 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, 1928। नेक्स्ट 143, द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वॉज मेड ऑन, 143 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1969, ठीक है। तो देखिए जो डेट्स होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स में, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है, लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और जो एग्जाम ही था वो लेबर इंस्पेक्टर का था, तो तब का कि जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड,
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक हर बार पढ़ के जाए, ठीक है, तो तभी इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो लेबर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, इंडिया इज़ ए परमानेंट मेंबर ऑफ ILO, ठीक है, ILO क्या हो, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्निंग बॉडी सिंस, तो कब से बना था, 144 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1922, ठीक है। नेक्स्ट 145, एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट द वेजेस मस्ट बी पेड ऑन, तो 145 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एनी वर्किंग डे, तो वेजेस है कभी भी जो वर्किंग डे है उस पर दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज कंटेन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 39, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी आर्टिकल 39 जो आपका DPSP के अंडर पड़ता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 147, इन मार्क्सिस्ट अप्रोच कंसर्न विद द वेजेस रिलेटेड डिस्प्यूट आर, तो जो मार्क्सवादी उपक्रम है उसमें वेतन संबंधी विवाद किस श्रेणी में रखे जाते हैं, तो वो रखे जाते हैं सेकेंडरी में यानी द्वितीयक श्रेणी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 148, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज हेल्थ एंड फैसिलिटी इज विद, 148 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दिस, ठीक है, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 149, इन विच ईयर वॉज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एनेक्टेड, तो 149 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1948। तो देखिए जो टेस्ट जिस भी चीज़ का होगा तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हर बार पढ़ने होंगे, ठीक है, तो देखिए इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 10-20 क्वेश्चन आपके लेबर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है लेबर इंस्पेक्टर का टेस्ट था तो क्वेश्चन तो इस तरह से आएंगे ही। नेक्स्ट 150, अंडर मिनिमम एज एक्ट एन अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड एन एज ऑफ, तो 150 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 18 ईयर, तो जब आपकी 18 उम्र एज हो जाती है तो उसके बाद उसे अडल्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस करा HPG के, और अभी कुछ एक पॉलिटी क्वेश्चन और कुछ एक इकोनॉमिक के क्वेश्चन जो लेबर रिलेटेड थे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।